हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम घर पर बनाने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg चिकन ली है, उसे हम पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पर राइस के क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। जैसे कि मैंने 1/2 kg राइस लिया है, तो जिस बाउल में मैंने राइस भिगोऊंगी उसी के नाम मेज़र से मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। बस इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, तो खड़े मसाले मैंने थोड़े थोड़े सारे ऐड कर दिए और थोड़ा सा नमक, और इसे बॉयल होने देंगे। थोड़ा बॉयल होने देते हैं, तब तक यहाँ पर अब हम चावल भिगो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg बासमती राइस ली है, उसे हम भिगो के रख लेंगे। तो 1/2 से 1 घंटे के लिए हमें बासमती राइस को भिगो के रखना है। तो बस इसे अच्छे से धो के हमें इसे भिगो के रख देना है। अब चलते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा चिकन में बॉईल आ चुका है। तो बस हमें 1-2 बॉईल आने का ही वेट करना था, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है चिकन को। तो बस यहाँ पर मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ गैस का। अब चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे रफली चॉप किया है। 8 से 10 लहसुन की कली, थोड़ा सा 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, और 4 से 5 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, तो मिर्ची उस हिसाब से आप लेंगे। तो इन सब का हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक पतीली में 5 बड़े चम्मच के करीब ऑयल गर्म किया है। इसमें मैं थोड़ा सा घी भी ऐड कर रही हूँ। घी से टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। आप चाहे तो सिर्फ घी में भी बनाएंगे तो और टेस्टी बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल और घी दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, और साथ ही में थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी दाना से फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं, तो मेथी दाना डालना आप ना भूलें। तो अब जो मैंने यहाँ पर ऑनियन और ग्रीन चिली के पेस्ट तैयार किए थे वो मिला देंगे, और उसे हमें अच्छे तरीके से भूनना है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुनाना चाहिए, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो बस इसे अच्छे तरीके से भूनते रहना है। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले मसाला ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच भरकर बस गरम मसाला, और 1 चम्मच यहाँ पर चिकन मसाला जाएगा। इन सब को हमें अच्छे तरीके से मिला लेना है और अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तब तक जब तक ऑयल इस मसाले से अलग ना हो जाए। तो बस इसे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम में ही भूनना है, ताकि हमारा मसाला सटे भी नहीं और जले नहीं। तो बस इसे थोड़ा ढक देते हैं, ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा मसाले से ऑयल काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर आना शुरू हो गया है। तो देखिए, अब नीचे में सटना शुरू हो रहा है, तो इसे हमें चलाते रहना है, ताकि हमारा मसाला जलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे रफली चॉप किया है, वो ऐड कर लेंगे। टमाटर से टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं, तो 3-4 आप जितना अच्छे डालेंगे चटकार उतना ही बनेगा पुलाव। तो बस यहाँ पे टमाटर को हमें गलाना है, तो यहाँ पे हम नमक ऐड कर देते हैं, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे चावल भी पकेंगे इसमें, तो नमक आप उसके हिसाब से डालिएगा। बस इन सबको अच्छे तरीके से मिला के गलाना है। तो इसे मैं ढक देती हूँ, ताकि ये टमाटर जल्दी से अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैं इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाती हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैं ओपन करके देखती हूँ, तो आप देखिए हमारा मसाला अब काफ़ी अच्छे तरीके से पकने शुरू हो गए हैं। तो इसे हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ, ताकि हमारा मसाला सटे नहीं, क्योंकि हल्के हल्के वो सटना शुरू हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें सटाना नहीं है, जलाना नहीं है मसाले को। अब इसमें मैंने फेटे हुए दही को अच्छे तरीके से फेट लिया था, तो उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दही ली है, उसे मिला देंगे। मीडियम गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा, क्योंकि जब दही डालते हैं तो गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए, वरना दही हमारे फट सकते हैं। तो बस अब इसे मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से जब हम मसाले में मिला लेंगे, तो हमारा टेस्ट और भी अच्छे से बढ़ जाएगा। यखनी पुलाव की खुशबू ही अलग हो जाती है। तो इसे हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाना है। इसे भी हमें तब तक भूनना है दोस्तों, जब तक कि इसे ऑयल अच्छे तरीके से बाहर ना निकल जाए। तो इसे भी हम ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं। चलिए, इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए हमारा ऑयल यहाँ से अलग हो गया है, और मसाले अब एकदम रेडी हैं, पकने को तैयार हो गए हैं। बस अब यहाँ पे हमारा मसाला भुनाकर अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे
चिकन को बॉयल करके रखा था, तो वो मिला देंगे पानी के साथ ही। चिकन को मिला देना है, तो संभल कर मिलाइएगा ताकि हाथ ना जले आपका। तो यहाँ पे मैं पानी के स्टार्च के साथ ही उसको चिकन को सारे ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमें मिला लेना। अब इसे हम थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो चावल भिगो के रखा था और राइस, वो भी ऐड कर देंगे। अब चावल को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चावल और चिकन को अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा पानी का अंदाज़ एकदम सही था। अब इसी पानी में ही हमारा चावल और चिकन दोनों पकेंगे। अब इसे हमें पकाना है, मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे। तो इसमें खूब सारे यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दीजिए, इससे टेस्ट और अच्छा लगेगा। तो बस इसे भी मैं अच्छे से यहाँ पे मिला लेती हूँ और ढक कर इसे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ देना है। ये धीमे धीमे आँच में ही पक के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ढक के पकाने से पहले मैं यहाँ पे नींबू ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब नींबू का रस ऐड किया है, साथ ही में 1 चम्मच मैंने यहाँ पे केवड़ा वाटर यूज़ किया है। केवड़ा वाटर से खुशबू पुलाव की बहुत अच्छी आएगी। तो बस अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और ढक कर इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे, ताकि चावल और चिकन हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से मसाले में पक जाए। तो दोस्तों, आप 20 मिनट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल और चिकन हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गए हैं। तो बस इसे अभी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, ताकि नीचे से हमारा चावल सटे नहीं। तो इस तरीके से बीच बीच में इसे चलाते रहें। इसे हमें एकदम धीमी आंच में, दम पर ही, जैसे दम देते हैं एकदम लो फ्लेम में, इसमें पकाना है, ताकि अच्छे तरीके से ये हमारा चावल और चिकन पक भी जाए और गल भी जाए। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन यखनी पुलाव बनकर तैयार है। चलिए इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस स्टेज पे हमारा चिकन यखनी पुलाव तैयार हो गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एकदम स्वादिष्ट चिकन यखनी पुलाव हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो एक बार इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।